नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी वसंत में पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूं, ठीक है। तो ये पाठ है सुमिता नंदन पंत द्वारा लिखा गया है, जो एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार है और बहुत ही पराकाष्ठा, जो एक मन की गहराई से गहराई बात जानने वाले, ठीक है ना, वही है जिन्होंने एक छोटी सी कविता में एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया है। तो आइए हम इन्हें पढ़ते हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कैसी बातें करती है, कैसी कल्पना कर रही है कि माँ मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ, छोटी बनकर रहना चाहती हूँ, क्यों जैसे ही मैं बड़ी होती हूँ धीरे धीरे आपका व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो क्या क्या परिवर्तन आता है और बच्ची माँ से क्या क्या मांग करती है, कैसा प्रेम कैसा स्नेह चाहती है, तो वो इस कविता में बताया गया है। एक माँ बेटी के रिश्ते के बारे में बताया गया है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, ठीक है ना। तो एक छोटी एक बालिका है, एक बच्ची है जो अपनी माँ से कहती है कि अपने खुद ही विचार करती है और बोलती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैंने घर में मैं हमेशा सबसे छोटी रहूँ या सबसे छोटी रहूँ, मैं बड़ी होना नहीं चाहती। तेरी गोदी में सोऊँ, ठीक है ना माँ, मैं तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं आपकी गोदी में सो सकूँ, ठीक है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप भी अब बड़े हो गए हैं, तो माँ की गोद में सोना अब आपके नहीं सो पाते हैं, ठीक है ना। तो वो बच्ची कहती है कि मैं छोटी रहना चाहती हूँ ताकि मैं हमेशा माँ की गोद में सोऊं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, जो माँ की साड़ी का जो आंचल रहता है, पल्ला रहता है, वो साड़ी का पल्ला को उनका अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूँ सदा माँ तेरे साथ, ठीक है ना माँ, मैं वो जो साड़ी का पल्ला है, साड़ी का आंचल है, वो पकड़ लूँ और आपके पीछे पीछे मैं सदा घूमती रहूँ। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, ठीक है ना। एक बच्ची कहती है कि मम्मी माँ मैं आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, ठीक है ना माँ। के बच्ची कहती है कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, आपका आंचल पकड़ पकड़ के सदा आपके साथ में घूमना चाहती हूँ। लेकिन बाद में जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो माँ का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तन होता है, चलिए आइए इस कहा कविता में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, ठीक है ना। कहती है ये बच्ची माँ से कि माँ जब हम आपको हमको बड़ा कर देती हो तो अब तुम हमारे साथ छलना शुरू करती हो, हमारे साथ एक छल करना शुरू करती हो। छल करना यानी अब हमको बेवकूफ़ बनाती हो, ठीक है ना, मेरे साथ मतलब हमको पहले जैसा प्रेम नहीं करती हो। क्यों नहीं करती हो तो आइए पढ़ते हैं। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, ठीक है ना, वो कहती है बच्ची के हाथ पकड़कर सदा हमारे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। साथ नहीं फिरती दिन रात, ठीक है ना, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसे हमेशा अपने 24 के 24 घंटे अपने साथ में रखती है, अपने गोद में रखती है, दुलार में रखती है। लेकिन बच्चा जैसे ही जैसे बड़ा होने लगता है, ठीक है ना, तो माँ उसके साथ दिन रात नहीं रहती है, ठीक है ना, अब हमारे साथ में हाथ पकड़कर दिन रात नहीं घूमती है। अपने कर से खिला धुला, अपने कर यानी होते हैं हाथ, ठीक है ना, अपने कर से खिला, क्यों जब हम छोटे रहते हैं तो माँ हमारे उनके हाथों से हमें भोजन कराती है, हमें पानी पिलाती है। धुला मुख, हमारा जो चेहरा है मुख है वो अपने हाथों से धुलाती है। धूल पोंछ, जब हम गंदे हो जाते हैं या फिर बहुत हवा चलती है, दौड़ते दौड़ते कहीं गिर जाते हैं तो पूरे धूली धूल हो जाते हैं, तब तो वो अपने हाथों से धूल साफ करती है। सज्जित कर गात, ठीक है ना, और हमको सजाती है, ठीक है ना, हम जो खराब हो जाते हैं तो हमें नहलाती है, उसके बाद में हमें तैयार करती है। थमा खिलौने, फिर हमें तैयार कर देती है और एक खिलौना, खेलने के लिए हमें खिलौना दे देती है। फिर नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और हमें खेलने के लिए खिलौना देती है कि जाके खेलो, ठीक है ना, और पहले परियों की जो सुखद अच्छी कहानी, जो परियों की कहानी सुनने में हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है, अब वो कहानी हमें नहीं सुनाती। क्यों नहीं सुनाती, कि हम बड़े हो गए हैं, अब तुम कहते हैं कि जाओ अपने दोस्तों के साथ में खेलो, इस खिलौने से खेलो, एक फुटबॉल दे देगी, गेंद बैट दे देगी, एक डोल दे देगी कि जाओ उनके साथ में खेलो, लेकिन अब हमें अपने पास नहीं रखती है। ऐसी बड़ी ना हो मैं तेरी, ऐसी बड़ी ना हो न, ठीक है ना, इसमें बताया गया है कि मुझे ऐसी बड़ी नहीं होना है। तेरी अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पद निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रे, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि एक लाइन चूंकि छूट गई है, इसमें
कि ऐसी बड़ी ना हूँ कि तेरा इसने ना खोऊं मैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि मुझे ऐसी माँ, मुझे ऐसी बड़ी नहीं होना है जिससे मुझे आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका दुलार मुझे खोना पड़े, ठीक है। ऐसा इसने तेरी अंचल की छाया में, कि माँ तेरी आंचल की छाया में, तेरे पल साड़ी के पल्ले की जो छाया है उसमें मैं जैसे ही छुप जाती हूँ तो मुझे पूरी दुनिया का जो डर है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है कि मेरी माँ मुझे हर मुसीबत से बचा लेगी। छिपी रहूँ निष्प्रह निर्भय, ठीक है ना, आराम से उस अंचल की छाया में मैं बिना डरे दुनिया से बिना किसी खौफ से आराम से सोई रहूँ। कहू दिखा दे चंद्रोदय, माँ मेरी इच्छा है कि मुझे उगता हुआ एक चाँद दिखा दे। तो इस तरीके के सुमिता नंदन पंत जी द्वारा लिखित है और यह बहुत ही एक माँ बेटी के बारे में बहुत ही अच्छे गहराई से इस कविता को बताया गया है कि एक माँ अपनी बेटी से और बेटी एक माँ से कितना प्रेम करती है इसके बारे में बताया गया है। एक छोटी बच्ची कहती है कि मुझे बड़ा नहीं होना है, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जाती हूँ तो माँ तुम हमसे दूर होती जाती हो, पहले तो तुम हमें अपने आँचल में रखती थी, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चलती थी, दिन रात मेरे साथ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, अब हमें एक थमा एक खिलौना हमें थमा देती है और जाके बोलती है खेलो, और हमें सुखद परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है, पहले तो मुझे हमें नहलाती है और तैयार करती है, हमारे धूल पोछती है और हमेशा हमारे साथ में रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो एक बच्ची कहती है कि माँ मुझे ऐसा बड़ा बिल्कुल नहीं होना है जिससे आपके स्नेह आपके प्रेम से मुझे दूर होना पड़े, मैं सदा आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, आपकी आँचल ओढ़कर मैं निडर होकर रहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से एक माँ बेटी के प्रेम के बारे में बताया गया है। और फिर क्या है, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, इसमें बताया गया है कि माँ मेरा आपसे निवेदन है कि, ठीक है ना, मुझे उगता हुआ चाँद देखना है, मुझे चाँद देखना बहुत ही पसंद है। तो इस तरह की माँ बेटी के बारे में बताया गया है। इसके एक कविता के मैंने संदर्भ प्रसंग आपको PDF फाइल में दे दिए हैं, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, और क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको स्वयं करने के लिए गया है कि छात्र स्वयं करे, तो वो आपका होमवर्क है, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना है, उसे स्वयं करना है, कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के पूरे चांस है। कॉपियाँ समय पर आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, आपसे यही निवेदन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।